अर्जुन रामपाल आजकल अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम की खबरों को लेकर न्यूज में है। मेहर जैसिया से सेपरेशन की न्यूज हर जगह छाई हुई है, लेकिन अब अर्जुन लाइफ की नेगेटिव बातों को भूलकर कुछ पॉजिटिव करने की सोच रहे हैं। अर्जुन अपनी पर्सनल लाइफ की जगह प्रोफेशनल लाइफ पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं और अपने करियर को रिवाइव करने में लग गए हैं। एक्सक्लूसिव सोर्सेज की माने तो अर्जुन अपने करियर को ट्रैक पर लाने के लिए करण जौहर और शाहरुख दोनों से ही मुलाकात कर रहे हैं। अर्जुन चाहते हैं कि वो बिग बैनर की कुछ फिल्में करें ताकि फिर से उन्हें लाइमलाइट मिल पाए। अपनी कुछ लास्ट रिलीजेस डैडी, कहानी 2, रॉक ऑन 2 और रॉय के फ्लॉप होने के बाद अर्जुन रामपाल ने फिल्म साइन नहीं की है और अब वो अपने अच्छे फ्रेंड्स शाहरुख और करण की हेल्प से बॉलीवुड में वापसी करना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड गलियारों में ऐसी खबर थी कि अर्जुन रामपाल अपनी वाइफ मेहर जैसिया की वजह से ही शाहरुख और करण जौहर से दूर हो गए थे, लेकिन अब जब अर्जुन ने मेहर से सेपरेट होने का मन बना लिया है तो वो अपने ओल्ड फ्रेंड्स करण और शाहरुख के पास वापस जाना चाहते हैं। आपको याद ही होगा कि किस तरह फिल्म रावण की रिलीज के दौरान शाहरुख और अर्जुन रामपाल के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि शाहरुख ने दोबारा अर्जुन के साथ कभी ना काम करने की बात की थी। वहीं करण की फिल्म दिया फैमिली की शूटिंग से ठीक पहले अर्जुन के रेम्यूनरेशन बढ़ाने की डिमांड की वजह से करण उनसे नाराज हो गए थे। वेल, लगता है अर्जुन अब पुरानी बातों को भूलकर फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो कर रहे हैं शाहरुख और करण को अप्रोच। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई।